हैदराबाद के खुददार नौजवान लड़कों, बहुत दूर का सफर तय करके आओ, 10 मिनट आपके बीच में हूँ। सुनिए, टाइल्स पर सरपरस्ती फरमा रहे हैं आली जनाब हाजी सोहेल अहमद साहब, माइक पर जनाबे मोहन मुंतजिर, प्यार इश्क मोहब्बत की धरती नैनीताल से तशरीफ लाए हैं। गौर से सुकून से आप सुनिए, अपने मेहमानों की इज्जत कीजिए, इसलिए कि ये हैदराबाद है। मुझे मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती वक्त है आपका, इसलिए आपके कहे बगैर 10 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन जो मेरे जिंदगी में सबसे अच्छा काम वो आपको वो सुनाऊंगा। अभी 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 चांदनी शर्मा जी यहाँ पे आपको मोहब्बत का साथ दिखा रही थी, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ। मैं आपकी खिदमत में इतना करना चाहूँगी, जितनी देर में माइक पर हूँ अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाऊंगा। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए चार चार मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि आज के बाद कभी भी मोहब्बत में किसी भी लड़की के आगे गिड़गिड़ाना मत। हैदराबाद के खुददार लड़कों, हैदराबाद के खुददार लड़कों, मैंने आपकी खुददारगी पूरी तारीफ सुनी, चार मिसरे पढ़ता हूँ चांदनी शर्मा साहब के लिए आप लोगों की तरफ से, सुनिएगा। मुझे देखेगी जब पलकें, मुझे देखेगी जब पल के झपक ना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा नींदें तो सोना भूल जाएगी, अगर मैं कब ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 9 मिनट मेरे हिस्से में और बचे हैं, बस बस हैदराबाद के खुददार लड़कों, एक बात मैं अभी खिदमत में अर्ज़ करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपके लिए कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े संकोच मत करना, चार मिसरे पढ़ता उसको हो सके जिंदगी में उतारेगा, सुनिएगा। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की सहेली से दिल अपना जोड़, सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, कभी भी लड़की अगर तोड़ सकती है हमारा दिल, कभी भी लड़की अगर तोड़ सकती है हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़। भाई क्या कहने, क्या क्या सबक दे रहे हैं भाई, मोहन मुंतजिर साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हैदराबाद के खुददार लड़कों, बहुत शुक्रिया। बस ये चार मिनट और पढ़ता हूँ इसी दरख्वास्त के साथ, क्या कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। चार मिसरे पढ़ता हूँ इस तमीज के साथ कि मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो वे चार मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से, खैराबाद के खुददार लड़कों, ये चार मिसरे हो सके मेरी जिंदगी में उतारना, सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना।
तजर्बात को नवाजिए। आइए आइए, देखिए मंदिर को तोड़िए कि मस्जिद को दिखाइए, मंदिर को तोड़िए कि मस्जिद को दिखाइए, दिल को न तोड़िए कि खुदा का मुकाम है। आइए आपकी दिल की आवाज बन गई है आज की सैराबाद के खुदा मेरे को बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, तसल्ली से सुनाऊंगा, तसल्ली से सुनाऊंगा आपको। बस एक बार मेरे को एहसास किया, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ 10 मिनट आपके बीच में हूँ। एक बात बताना चाहूँगा कि मुशायरा बहुत मुश्किल से सजाया जाता है। जियाउद्दीन खान साहब, शब्बीर खान साहब, दिल खैराबादी साहब, ये बहुत पूरी मुशायरा कमेटी की, अगर मुशायरा अच्छा हो गया तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो, इनका मन बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूँ, नज़्म तक पहुँचना चाहता हूँ। अरे मैं कहो भैया, अरे दिल जलाओ, ओ दिल जलाओ, अरे दिल जलाओ, अरे भाई बैठो बैठो बैठो। आपके मुशायरे की वीडियो फिल्म बन रही है, जैसे वीडियो बना रहे हैं उनको नुकसान न पहुँचाइए खुदा के लिए। बैठो 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 भैया, बैठो 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 बैठो, आपस में क्यों लड़ो, आपस को नुकसान न पहुँचाइए दोस्तों, बैठो बैठो, आपस में लड़ो, मैं लड़ो बताओ। लड़ो मत, लड़ो भाई, बहुत हल्ला हो रहा है ना अभी, आपस में लड़ रहे तो मैं क्या आपको सुनाऊं। मैं तो वैसे दिल जला आदमी हूँ, मेरे तो वैसे दिल टूटा हुआ है। वो शोर होना चाहिए कि ये शोर कट जाए। सुने चार मिसरे पढ़ता हूँ, बुजुर्गों की नसीहतें खैराबाद के खुददार लड़कों आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने। खैराबाद के लोग ठीक है, हो जाता है, आपस में हो जाता है, सब दोस्त हो, दोस्ती में से चलता रहता है। हम तो हमारा दोस्ती में तो मुझे बहुत मारते थे लोग यार, कसम से मेरे दोस्त तो मुझे बहुत मारते थे। उसके यकीन माना, जब हमें लड़ाई होती थी तो हमारे दोस्त मिलकर मुझे बहुत मारते थे, हम तो छाड़ते थे युग करके फिर मान लें। चार मिसरे पढ़ता, सुन चार मिसरे पढ़ता, सुनना मेरे भाई, मन बना माहौल बनाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं शुरू करता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं ना, थोड़ा अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, दो आएगा मजा, सुनिए। चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, क्या कर रहे इधर देखो ना मेरे भाई, मैं भी तो खूबसूरत हूँ यार, इतनी दूर से आपके चलने आया हूँ, इतनी दूर से चल के आया हूँ। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो, शफाक बनो लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जो खैराबाद का मुशायरा सुना जाता है मुझे अब लग रहा है कि वो सुना जा रहा है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर चार मिसरे बुजुर्गों की नसीहत, फिर नस पढ़ के मुझे जगह देता हूँ, सुनेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं, माँ से बढ़कर एक लड़की का। चार मिनट में आप
आपको चार चार मिसल सुनाऊं उसके जगह लेता हूं। चार चार मिसल जो मैंने नए किया उसको अच्छा कहे, चार मिसल आपको सुनाता हूं जुगाड़ के मिसल। हिंदुस्तान में प्रक्रिया होती है जुगाड़ की प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया जिस भी नौजवान भाई को आती है वो कभी मायूस नहीं होता। चार मिसल पढ़ता हूँ आपकी तरफ से इस पूरे जायज के हवाले से, सुनिएगा। मैं पढ़ू भाई, पढ़ू, इजाजत है? इजाजत है, बहुत शुक्रिया। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा। शुक्रिया भाई। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद देखना क्या होगा, तू अपनी पढ़ता हूँ मेरे भाई। जैसे अभी एक हंगामा सा हो रहा था मेरी जिंदगी में, घटना घटी है मेरे चार जो ये पूरा मोहल्ला है ना, ये बहुत अच्छा सुन रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया उसी लड़की ने इस मोहल्ले वाले को भी धोखा दिया। चार मिसरे पढ़ता हूँ उस बेवफा लड़की के लिए, चार मिसरे जो मैंने नहीं कहे, लेकिन चार मिसरों में सारी उंगलियां सारा इल्जाम मुझ पर उठता है। ये चार मिसरे मेरी जिंदगी का जख्म है, ये सुदाब लड़का खेड़ा बात के इस जख्म में अपनी तालियों का मरहम रख देना, थोड़ा सा कम हो जाएगा इधर, सुनेगा। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, मेरी जिंदगी का दर्द उस बेवफा लड़की के नाम, इस बार अपनी तालियों का शोर उस बेवफा लड़की तक पहुंचाना। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार।